बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अज़ीज़ कैटल फार्म हासलपुर से। 22 फरवरी 2022 और दिन है आज मंगल का, शाम हो गई है जी। आज वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज हमने इसके नीचे रेत वगैरह डलवाई है और स्प्रे उसके बाद हमने रेत के ऊपर की है, जो नई रेत आई है, ताकि इसमें कोई वायरस कोई जरासीम कोई ऐसी चीज़ ना हो। उसके ऊपर भी रास्ते में भी दरवाज़े के अंदर बाहर आप देख सकते हैं। और ये जी माशाल्लाह देखें, ये यहाँ से ट्राली गुजरी है रेत वाली और ये बाहर सारे इसके जरासीम कुछ स्प्रे जो है इसको बाहर भी करेंगे और अंदर भी करेंगे। रेत जो डाल दी है उसके ऊपर भी इसका सारा छिड़काव होगा। ये देखें जी, इसके अलावा फीड को हम किस तरह से मिक्स करते हैं ये भी देखें आप। और आज जी यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, अली भाई लाहौर से, ये फ़ीमेल, यहाँ पे ज़्यादा फ़ीमेल हैं, मेरा ख्याल मेल भी शायद कोई कदुका हो, लेकिन ये ज़्यादा फ़ीमेल हैं। और ये जी शहजाद साहब फ्रॉम कराची, ज़िशान साहब कराची, ये ज़िशान भाई किया जी माशाल्लाह 2023 के लिए बछड़ी है फ़ीमेल। और ये वाली फ़ीमेल है जी नदीम रबानी साहब, कराची से हैं, वैसे ताइवान में होते हैं। तो ये जी माशाल्लाह नदीम रवानी साहब की है, अभी खीरी है मेरा ख्याल है, मेरी हाइट के बराबर हाइट कर गई है। ये जी अशरफ साहब यूएसए से, वैसे कराची से बिलोंग करते हैं। तो ये जी माशाल्लाह अशरफ भाई की बछड़ी है, फीमेल है। और ये है जी अपना नवीद साहब, नवीद बेग साहब कराची से, ये फ़ीमेल है जी उनकी, ये चेक करें माशाल्लाह। और ये है जी अशरफ साहब यूएसए से, ये भी अशरफ भाई की मेरे ख्याल 4 बछड़ियाँ हैं और कोई 3-4 बछड़े भी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये वाली
ये भी मेरा ख्याल अशरफ भाई की है ये वाली भी। और ये आगे जी सैयद नियाज अहमद साहब हैं सऊदी अरब से, वैसे कराची से हैं वो भी। ये भी अभी खीरी है, दो दांत अभी नहीं हुई ये वाली मछली भी माशाल्लाह। ये वाली भी आज भी कोशिश करूँगा दो वीडियो बनाऊँ ताकि पूरी दिखा सकूँ, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और ये वाला बछड़ा है जी असद सदीकी साहब फ्रॉम कराची, ये 2023 के लिए उन्होंने लिया है। चेक करें जी माशाल्लाह, 2023 का मेहमान है। और ये वाला है जी, ये जो नए आए हैं अली भाई के, ये चेक करें जी माशाल्लाह, काफ़ी इसका फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है इसका। अली भाई लाहौर से ये उनके आए हैं जो किसी फार्म से। ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है ये वाला, ये जिस दिन आया था इसे उठा नहीं जाता था, तो अलबत्ता अब उठता है, बैठता है, चलता भी है, हो जाएगा ये बेहतर। ये भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। ये जी ये है अशरफ भाई का यूएसए से, जो बछड़े भी हैं ये अशरफ भाई के जितने भी जानवर हैं फॉर सेल हैं। और ये है जी असद सदीकी साहब हमारे दोस्त हैं कराची से, ये 2022 के लिए उनका ये कुर्बानी का बैल है। और ये फिर अली साहब हैं जी, अली भाई लाहौर से, उनका है ये। ये हैं जी आमर भाई रावलपिंडी से, पिछले साल भी आमर भाई का बछड़ा था और इस साल भी है। और ये है जी अस्कर थ्री मुबीन साहब फ्रॉम रावलपिंडी, ये 2023 के लिए है। हम 2023 के बच्चों के लिए बिल्कुल अलग सेटअप बना रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बुकिंग तो रोक दी है कुछ दिन के लिए और सोचा कि चलो यही काम कर लें कंस्ट्रक्शन का जो है। और ये है जी फाहद साहब फ्रॉम कराची, फाहद भाई कराची से हैं ये, उनकी है फ़ीमेल कुर्बानी 2022 के लिए। और ये है जी, ये भी अशरफ भाई का बछड़ा है यूएसए से, दो दांत है ये वाला। और ये साथ में आ गया कसवा मोहम्मद नईम साहब रावलपिंडी से, ये नईम साहब का है जी। ये आ गया 70 नंबर इमरान साहब फ्रॉम कराची, माशाल्लाह जी अल्लाह पाक नज़र बस से जाए, बड़ा ही प्यारा बैल है। मूसा भाई कराची से सऊदी अरब में होते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है इन दोनों की। रवि भाई फ्रॉम कराची, इसकी भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है। और इसके साथ आ गया है जी ये वाला हनीफ साहब, हनीफ साहब हैं जी कराची से, ये हनीफ भाई का माशाल्लाह, ये भी अब अच्छा होके चल रहा है। और ये साथ में 26 नंबर नवीद बेग साहब कराची से, मोहसन साहब इसका टैग नंबर है 17 और यूके में होते हैं, तो उनका है ये जेलम से है मेरा ख्याल वैसे। और ये है ये मुबश अपना लुकमान साहब फ्रॉम फैसलाबाद, लुकमान भाई हैं फैसलाबाद से, तो ये लुकमान भाई का है जी माशाल्लाह। ये आ गया जी अस्कर टू, ये है जी मुबीन साहब का, ये भी बछड़ा भी खीरा है मुबीन भाई रावलपिंडी से, ये जी माशाल्लाह मुबीन भाई का है 2022 के लिए। ये जाएगा रावलपिंडी में। और ये वाला जो है ये हमारे दोस्त हैं कराची से हनीफ साहब, हनीफ भाई के हैं 4, ये 2 हो गए। हाँ क्यों आवाज़ दे रहा है जानवर, देख उन्हों आगे हो गए ना, किसी रस्सी तो नहीं अड़ गई होती या कोई मसला तो नहीं उन्हों। और ये वाला है जी खालिद साहब फ्रॉम कराची, जीशान साहब। हाँ की रोड़ा बोलता क्यों है कि फैगा चारा वगैरह। ये जीशान साहब हैं जी कराची से। और ये है जी, ये हमारा है अभी फ़िलहाल चल रही है इसकी डील, शायद फाइनल हो जाए, जाएगा जिसके नसीबों में हुआ उनके पास। और ये वाला बछड़ा माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी भी, ये देखें। लेकिन ये किन का है, मैंने नवीद बेग साहब का जो पहले दिखाया वो नहीं था उनका, ये है, इसको 26 नंबर टैग लगा है। वो मेरे ख्याल फैसल साहब का था, 31 नंबर था वो, शायद गलती हो गई है, वो पीछे एक ही जैसे हैं बिल्कुल। तो सैफ साहब का जी माशाल्लाह, ये अपना
इसको बोलते हैं वो डब्बू, तो सिफ साहब फ्रॉम कराची। ऐस खुर पानी नहीं है, पानी भी छोड़ो ना, जाके फीड ना देखे, फीड कहीं देखे सही नहीं हैगी। ये हैं जी हरीफ साहब, ये भी कोई नहीं ज्यादा, इधर पानी भी भरना, ये पानी भी वो पी गए ने, पिछों पानी होर छोड़ो। हनीफ साहब फ्रॉम कराची, तीन हो गए हनीफ भाई के, एक और आएगा। और ये माशाल्लाह जी यूके से हमारे दोस्त हैं, 83 नंबर टैग है इसका। और ये जी मोहम्मद नईम साहब सेंत सांगड़ से, ये साहिवाल का बछड़ा उनका है, 15 नंबर टैग है इसका। माशाल्लाह बड़े पूरे SOPs में है। इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर ना है नहीं खा गया बंडा। ये जी नदीम रबानी साहब, ये बछड़ा है माशाल्लाह उनका, और कोरिया से कराची से है, वो फीमेल भी है उनकी, मैंने तारफ करवाया पहले भी, ये माशाल्लाह उनके दो जानवर हैं उनके। साजद शेख साहब फ्रॉम हैदराबाद, अनकरीब मेहमान बनेंगे अजीज़ कैटल फार्म के। ये जी बाबर साहब का है, मस्कत में होते हैं, ये उनका है माशाल्लाह। और ये वाला जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है, ये अशरफ भाई का है, USA में जो है। और ये है जी मुनीर साहब फ्रॉम तुर्की, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में है, कराची में। और ये है जी स्विंग का सुल्तान, स्विंग का सुल्तान 87 नंबर है जी फरख भाई का, और पेशावर जाएगा इंशाल्लाह। और ये वाला बछड़ा है जी शहजाद साहब फ्रॉम कराची से, इसके भी सींग हमने काटे हैं और इसके भी काटे हैं, दोनों के यहीं कटे हैं। और इसके साथ ये जोड़ी आ गई है जी जुल्फकार साहब की, ये ब्लैक में भी और ये वाइट में भी, ये दोनों जुल्फकार भाई के हैं जी माशाल्लाह। और ये वाला जो है, ये है जी 4th नंबर पे हनीफ साहब का, हनीफ भाई का है ये वाला। और ये अली भाई का पटेला, ये बछड़ा भी फार सेल है अली भाई का ये। और ये खड़ा है साहिवाल में, ये भी अली भाई का है। और ये वाला भी अली भाई का, ये तीन कट्ठे उनके हो गए। और ये जी माशाल्लाह नवीद साहब हैं जी, नवीद साहब लाहौर से, वैसे मेरे ख्याल पता नहीं बारिश आ गई। ये जी बाहर होते हैं मुल्क से, पता नहीं कतर में है या किस मुल्क में, अलबत्ता ये लाहौर जाएगा, ये उनका है जी माशाल्लाह। और साथ में आ गया ये फरक साहब का 22 नंबर। अगे करो जानवरों ने पट्ठे, ओ खुली खाली, इन्होंने पानी भी देखी है नाल नाल, जो फीड होंगी जानवर पानी पीते हैं। और ये वाला जी अशरफ भाई का आ गया साथ में ब्लैक वाला। और ये जी हसन साहब का, ये भी हसन साहब का ब्लैक वाला। दरअसल में एक लड़का नया आया है, उसको नहीं पता अभी बांधने का, जगह का नहीं पता, बल्कि दो नए आए हैं। और अरशद भाई होते हैं इधर पहले फार्म को जो देखते हैं, तो वो छुट्टी पे हैं आजकल 1 हफ्ते के लिए, और वो गए हुए हैं शादी पे, आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो ज़्यादा मैनेज करते हैं। बाबा जी तारा ने उत्ते विच, ओ विच मारदे पए हो ऊपर, मैं कहा तारा वे विच वजा। ये जी नुमान साहब फ्रॉम कराची, और ये जी हसन भाई का है, ये माशाल्लाह ये मिक्स हैं, वो अरशद भाई भी नहीं है और दो नए लड़के आए हैं, वो जैसे मर्ज़ी शोर मचाएं, मर्ज़ी अपनी करते हैं। ये सारे हसन भाई के आ रहे हैं जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये सारे माशाल्लाह जी हसन साहब के, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे हसन भाई के हैं, इसमें कोई 2-3 हैं दूसरे दोस्तों के। ये फिर हसन साहब के आगे दूसरी साइड से, ये देखें जी माशाल्लाह मसरूफ़ हैं खाने में। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी
ये हसन साहब के हैं जी माशाल्लाह सारे यहाँ तक। और ये आ गया जी अज़ीज़ मेमन साहब, हुसैन मेमन साहब फ्रॉम कराची, ये उनका बोल रहा है। और ये है जी पांडा अपना मूसा साहब कराची से, सऊदी अरब में है। ये फिर हसन साहब का एक उन्होंने कुछ इसमें घुसा दिया है। और ये वाला जो है ज़ीशान मोहम्मद साहब, ज़ीशान मोहम्मद साहब, आज हमारे पास सर्दी है सारा, बल्कि कल रात से बड़ी शदीद सर्दी और हवा ठंडी। ये है जी स्पॉटी इब्राहिम साहब फ्रॉम कराची। और ये है जी हमारे दोस्त हैं आसम समदानी साहब कराची से। तो वैसे तो ये तीनों उनके ही हैं, ये ज़ीशान मोहम्मद साहब का और ये इब्राहिम साहब का, और ये आ गया है जी अपना उनका आसम समदानी साहब का। और यहाँ से फिर हट 39 नंबर आबद साहब कराची से, ये है जी माशाल्लाह आबद भाई का। ये है जी आसम जवेद बाजवा साहब इस्लामाबाद से। तो ये आसम साहब का है जी, इस्लामाबाद में जाएगा शायद। और ये आ गया जी फैसल साहब, फैसल भाई का है कराची से। और ये आ गया है जी अपना आज़म साहब का, ये मेरे ख्याल 50 नंबर के क्या इसका टैग है। अदनान साहब जर्मनी से, अदनान भाई का ये जर्मनी से। और ये आज़म साहब का, ये चेक करें बेड भी, बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं माशाल्लाह, असल में मस्ती कर रहे हैं ज़्यादा। और ये वाला बछड़ा है जी फैसल साहब का इसमें, ये फिर आज़म साहब का, फैसल साहब का, ये सारे इन्होंने ना दगड़ मगड़ कर दिए। और ये वाला है जी आज़म साहब का माशाल्लाह पूरा बैल, ये भी आज़म साहब का है। और ये आ गया जी अपना खालद साहब का, आज़म भाई। और ये भी जोड़ी जो है आज़म साहब की है माशाल्लाह, ये देखें जी। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह सारे, ये देखें मस्ती कर करके इन्होंने सारी रेत पीछे हटा दी है। ये देखें अच्छा बोलदा, अच्छा क्यों बोलदा, ये चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जोड़ी चेक करें जी, आउट क्लास माशाल्लाह जोड़ी है। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये सारे आज़म साहब के जो आप जो देख रहे हैं, ये चेक करें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें ये वाला फैसल साहब का घुसा दिया इधर, ये 23 के हैं, हम 23 के लिए अलग जगह बना रहे हैं, चला मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी आज़म साहब के हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। और ये सुबह के लिए जी, सुबह जब इनको डालेंगे। और ये जी चिवाइयाँ हो रही हैं, ये नुमान साहब की गाय का दूध निकाल रहे हैं, ये जाता है गरीबों के लिए ज़्यादा। और ये गाय जो नईम साहब की है जी, मोहम्मद नईम साहब सेन सांगर से, इसने अभी फ्रेश डिलीवरी दी है, इसके लिए वो घी वगैरह तैयार कर रहे हैं अभी देंगे। और ये देखें जी ईंटें आना शुरू हो गई हैं आज से,
और यहाँ पे एक खुरली बनेगी 2023 के लिए। ये जगह की पैमाइश करेंगे यहाँ से, मेरा ख्याल 25-30 फुट जगह छोड़ के दूसरी खुरली से, और तकरीबन यहीं कहीं एक बन जाएगी 2023 के लिए। और ये जी आसम साहब, आसम समदानी साहब का है, इसका फीड इनटेक चेक हो रहा है और इसको इसीलिए अलग किया हुआ है। माशाल्लाह बेहतरीन है, ये देखें जी बेहतरीन खा रहा है। और ये वाला जो है बाबर साहब का है मस्कत से, ये खुरली में कूद गया था, जो पक्की खुरली है उसमें कूदा था, और इसको ना ज़रा टांग पे लगी है, इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाएं और आज कुछ बेहतर है ये, तो इसको लादा किया होगा ताकि इसे परेशानी ना बने। और ये है जी ब्राह्मण अली भाई का कतर से, तो इसको ये खुश्की हो गई थी लेकिन रिकवर हो रही है। अब अगर देखा जाए इसको हाथ लगा के तो वो ख़त्म हो गया, जो इसके ऊपर वो तो मोड़ बने हुए थे ना वो ख़त्म हो गए हैं। मौसम फिर ठंडा है, इसको नहाने वाला नहीं है, तो जिस दिन धूप निकलेगी अच्छी और हवा नहीं होगी फिर इसको नहलवाएंगे 2-3 दफ़ा तो ये सेट हो जाएगा। बाकी खरखरा शरखरा इसको लगा रहे हैं और फीड माशाल्लाह पूरी ले रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, बहुत जल्दी कर जाएगा। ये देखें जब इसके ना ये सारे जड़ गए थे बाल, अब जो बाल वगैरह है ना ये देखें पीछे से कर गया कवर, ये देखें जैसे इसको नहलवाएंगे इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। बाबा जी पानी पिलाता इन्हें, देखे देख लो होर जिदे के नहीं है ना वो देखे होर फीड पाओ है, खा रहे ने आ वैड़ी इधर कदों बनी हुई आ जड़ी है आ नईम साहब की जगह उधर आए नूं हुण इत्थे बन्निया होया, इत्थों पानी बार बार खोल के पिलाओगे, उधर बन्निया करो ना है यार। कल दियां क्यों बनिया हुई हैं, तुसीं जाण के अपने काम वधा रहे हैं, जो तो जगह हैगी है उधर बनने वास्ते तो फिर तुसीं उधर बनो ना, बंदा फ्री होवे तुहाडा, बंदा आ गया कि छुट्टी दे तो फिर काम गाल ही पैने ना। ये जी माशाल्लाह सारे जानवर जो हैं अपनी अपनी जगह पे, ये बच्चे तो खैर इधर ही होते हैं लेकिन ये वाली 3-4 उधर होती हैं, तो ये भी आज इन्होंने उधर नहीं बांधी हैं। और ये जी भाई साहब जो हमारी तरपालें हैं उनको रिपेयर कर रहे हैं, और ताकि अभी गर्मी जब आएगी तो इनको लगा देंगे। तो आज के लिए यही है जी, इंशाल्लाह कल बनाएंगे, फिर दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।